फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा आप जानते हैं, हमारी टेंथ की सीरीज चल रही थी और उसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन दो टेंस के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, मतलब कहाँ यूज करते हैं, यानी कोई काम जो कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो, वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। यानी उसको बताने के लिए हम कौन से टेंस का यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। नाउ इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी हेड होती है। हेड केवल इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट पर हमें सिर्फ क्या यूज़ करना है, हेड। नाउ इसके रूल्स को स्टडी करते हैं। रूल्स, हम चार रूल्स को स्टडी करने वाले हैं। चार केसेस क्या होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। इन चार केसेस को हम स्टडी करेंगे। नाउ एक एक करके हम सबको स्टडी करते हैं। तो बात करते हैं अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव केस क्या है? नाउ अफर्मेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के साथ हेड आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पर क्या है, हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी के साथ, वो कोई से भी हमारा रूल, जब भी हम रूल लिखेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। एंड हेड है, कोई और हेल्पिंग वर्ब अदर है नहीं, तो सब्जेक्ट के साथ से हेड यूज़ होगा। एंड देन वही है हमारा जो रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे सोहन हैड फ्लोन अ काइट, कि सोहन जो है मतलब पतंग उड़ा चुका था, तो पास में काम खत्म हुआ। एक पतंग हमने एक काइट बोला, यानी एक पतंग उड़ा चुका था, तो सोहन क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैड हमने वर्ब यूज़ कर ली, हेल्पिंग वर्ब। नाउ जो हमारी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी, फ्लाई, फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या हुई, फ्लोन। हमने फ्लोन का यूज़ किया, एंड देन ऑब्जेक्ट आ गया हमारा एक काइट। तो इस तरीके से नाउ नेगेटिव की बात करते हैं, मीन्स इसमें हमारा नॉट ऐड हो जाएगा हेड के बाद। मीन्स सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल होने वाला है। सिमिलरली इसका एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल है सोहन हैड नॉट फ्लोन द काइट। तो सोहन हैड नॉट फ्लोन द काइट में जैसा आप देख पा रहे हैं, हमें नॉट ऐड करना था, नेगेटिव है, तो हमने हेड के बाद क्या लगाया, नॉट को ऐड कर दिया, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। ना बात करते हैं इंटरोगेटिव, यानी क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, और क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगाने के बाद, मीन सिंगल इंटरोगेटिव। तो जब हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हमने क्या है, अब इसका एग्जाम्पल देखें कि हैड सोहन फ्लोन अ काइट, क्या सोहन पतंग उड़ा चुका था, तो हमने हेड को स्टार्टिंग में लगा के क्वेश्चन को पुटअप किया एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना है। नाउ डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव इन विच हेल्पिंग वर्ब तो स्टार्टिंग में आती है, बट साथ में एक डब्ल्यू एच फैमिली रखी जाती है स्टार्टिंग में, जिससे क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा होता है। मीन्स हमारा इसका रूल होगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली आएगी, देन हम यूज़ करेंगे अपना हेल्पिंग वर्ब, एंड देन हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा डबल इंटरोगेटिव केस में। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वाई हैड सोहन फ्लोन अ काइट, कि सोहन पतंग क्यों उड़ा चुका था, यानी उसने पतंग क्यों उड़ाई थी, ये जानना है, तो ये क्वेश्चन पुटअप किया। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये कुछ चार रूल्स थे जो हमने स्टडी कर लिए पास्ट परफेक्ट टेंस के। नाउ हम बात करेंगे अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा आप जानते हैं, कोई काम जब पास्ट में बिगन हुआ हो या अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ हो या अभी चल रहा हो, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। यहाँ की जो मेन बात है ये है कि हम यहाँ पर सेंस और फोर का यूज़ करते हैं। नाउ सेंस और फोर का यूज़, जैसे मैंने आपको अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो में समझाया था, अगर आपने नहीं देखा तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पर जाकर इनका यूज़ देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। सेम इसके हेल्पिंग वर्ब है हैड, नाउ ऐड हो जाएगा बीन, तो इसके हेल्पिंग वर्ब हो गई हैड बीन। नाउ इसके हम चार रूल्स को स्टडी करेंगे, वही अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव, इन चार रूल्स को स्टडी करेंगे। तो वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे, एंड मेन बात कि सेम चीज़ सेम रहेगा जैसा हमारा प्रोसेस रहता था रूल का, बस अब सेंस फोर के साथ हम टाइम को भी ऐड करेंगे सेंटेंसेज में। नाउ अफर्मेटिव का रूल स्टडी करते हैं। अफर्मेटिव का रूल में क्या होने वाला है, सबसे पहले क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम हैड बीन यूज़ करेंगे, हैड बीन के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ing को ऐड करके लिखेंगे, और उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस फोर का यूज़ करेंगे, सिंस फोर का यूज़ जो होगा वो अकॉर्डिंग टू टाइम होगा जो हम उसके बाद लिखने वाले हैं। ठीक है, ये तो था हमारा अफर्मेटिव का रूल, बट इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आए।
जैसे कि सोहन हैड बीन फ्लाइंग अ काइट सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से जो सोहन है वो पतंग उड़ा रहा था। तो ये कुछ इसका एग्जांपल है। यहाँ पर हमने सिंस यूज किया क्योंकि हमें एक डेफिनेट टाइम दिया गया है मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हुई बात। नाउ बात करते हैं आप नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या होने वाला है? नाउ नेगेटिव में हमारा हैड नॉट बीन हो जाएगा, बाकी रूल हमारा सेम रहने वाला है। मीन्स सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर हमारा टाइम के साथ आ जाएगा, जो भी हम उसके बाद लिखेंगे। नाउ इसका हम देखते हैं क्या आने वाला है एग्जाम्पल। सोहन हैड नॉट बीन फ्लाइंग अ काइट सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। चलो फोर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही हैड नॉट बीन फ्लाइंग अ काइट फॉर 2 वीक्स, यानी वो 2 हफ्ते से पतंग नहीं उड़ा रहा था। तो ये बात हो गई है। हमने फोर और सिंस दोनों का केस देख लिया, ये नेगेटिव था। नाउ बात करते हैं सिंगल इंटरोगेटिव। मींस हमारा हैड स्टार्टिंग में आ जाएगा। नाउ इसका रूल क्या होने वाला है? हैड प्लस सब्जेक्ट। नाउ सब्जेक्ट के बाद हमारा बीन आएगा क्योंकि हैड के साथ हम बीन का यूज कर लेते थे। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। नाउ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस फोर लिखेंगे, जो हम टाइम के अकॉर्डिंग फिल करने वाले हैं। नाउ लास्ट में इंपॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन मार्क, जो लगाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। नाउ इसका एग्जांपल, हैड सोहन बीन फ्लाइंग अ काइट फॉर 2 वीक्स, क्या 2 हफ्ते से सोहन पतंग उड़ा रहा था? तो क्वेश्चन पुट अप किया गया। नाउ डबल इंटरोगेटिव, इन विच डब्ल्यूएच फैमिली गोइंग टू बी स्टार्ट द सेंटेंस। मीन्स अब क्या होगा, डब्ल्यूएच फैमिली स्टार्टिंग में आ जाएगी। डब्ल्यूएच फैमिली आ गई सबसे पहले, उसके बाद हम किसका यूज करेंगे? अपनी हेल्पिंग वर्ब हैड का। नाउ हमारा सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम से फिल कर देंगे, एंड देन इंपॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन मार्क। नाउ इसका एग्जांपल, व्हाई हैड सोहन बीन फ्लाइंग अ काइट फॉर 2 वीक्स, कि क्यों उड़ा रहा था वो? तो क्वेश्चन पुट अप किया गया। तो ये चार रूल से जो हमने स्टडी करा, और यहाँ पर हमारा पास्ट टेंस खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने फ्यूचर टेंस के बारे में। अगर आपसे इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको क्वेश्चन मतलब आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।